सबसे पहले तो हम लोग को इस ट्रेन से बाहर कर दिया गया। अब फाइन तो मतलब 200-400-500 कमाने वाला ऑटो चालक 10,000 या 5,000 का फाइन कहाँ से भरेगा? आपको अभी चलान काटा गया है। हाँ देखिए 17,000 का काटा हुआ है। ये देखिए 17,000 का इनका चलान काटा गया है। ऑटो चलाते हैं? हाँ ऑटो चलाते हैं। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि पटना का लाइफ लाइन पटना जंक्शन जो ऑटो स्टैंड है उसको एक तरीके से कहा कि हटा दिया गया है। अब इन लोग का साफ साफ ऑटो चालक मांग कर रहे हैं कि ऑटो स्टैंड को पुनः बहाल किया जाए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था दिखाया जाए दिया जाए। देखिए किस तरीके से ऑटो चालक है, पटना जंक्शन पर भारी भीड़ है। ऑटो चालक का साफ साफ कहना है कि जब तक हम लोग को वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दिया जाता है या बहाल नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग स्ट्राइक पर बने ही रहेंगे। देखिए 4 दिनों से आपको बताते चले कि 4 दिनों से लगातार जो है ऑटो चालक अपनी मांग को लेकर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरीके से कहें तो साफ साफ इनका कहना है, एक तरफ सरकार इनका साफ साफ कहना है कि सरकार हम लोग को पहले व्यवस्था नहीं देती है और रोड पर ला करके खड़ी कर देती है। हम ऑटो चालकों से भी बात करते हैं। जमीन का मैटर है ना आप लोग का? स्टैंड का स्टैंड जो 11/4/96 के समझौता के आलोक में टाटा पार्क ऑटो स्टैंड है या इसी समझौता के आधार पर जीपीओ है, तो अभी टाटा पार्क जो देख रहा है 31 के मध्यरात्रि को घेराबंदी किया गया बगैर सूचना के, जबकि एक कमेटी है जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है कि स्मार्ट सिटी को या मेट्रो को जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगा हम पहले वैकल्पिक व्यवस्था पर बात करेंगे और तब मेट्रो को हम हवाले करेंगे। तो अब घर नहीं दिया गया लेकिन पहले ही बाहर? हाँ बाहर निकाल दिया गया और स्वागत के साथ डंटा पैना गाली गलौज के साथ निकाला गया, गिरफ्तारी भी हुई। आप इनको पहचानते हैं, इनका नाम पप्पू यादव जी है। ये क्या कहते हैं, कोई निगम ने समझा कि कोई टेम्पो ड्राइवर है, चारगो का नेता है। हमें ये आंदोलन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो आपके दिमाग में है और जो आप लगातार धमकी दिए हैं आप दिमाग से निकाल दीजिए। पप्पू यादव पटना और पटना जिला का नेता है, बिहार का नेता है और हमारा संगठन कोई बाप बनाया बेटा बेचा गांधी मैदान में वो नहीं है। लेकिन जब वार्ता हुई तो तानाशाही बात हुआ। इसके खिलाफ जो यहाँ से 22 रूट की गाड़ियाँ का परिचालन होता था वो परिचालन बंद हो गया और जब बंद हुआ तब पटना के तमाम संगठनों ने ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा मिल करके आज अभी मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन करेगा और प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग रखेगा। मांग कोई नौकरी नहीं है, पैसा बढ़ाने का नहीं है, बेकार वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उजाड़ना बंद करो और जब तक व्यवस्था नहीं होता है पूर्ववत स्थिति बहाल करो। अगर आज सुनवाई नहीं हुई तो कल पूरे पटना ठप रहेगा और कल का आंदोलन का अपार समर्थन मिला है। दैनिक यात्री संघ, ट्रेड यूनियन के लोगों, CITU बिहार ने, छात्र, नौजवान, LIC, GIC, बैंक, रेलवे, तमाम लोगों ने आंदोलन को समर्थन किया है। इतना ही नहीं, बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और दैनिक यात्री संघ ने भी समर्थन किया है। राजकुमार झा, महासचिव बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ। पप्पू जी, पटना में ऑटो चालक आप लोग बंद करवा दिए हैं, यहाँ जो लोग यात्री है कैसे हो जाएंगे? देखिए यात्रियों से तो हम हाथ जोड़कर क्षमा चाहेंगे कि आज हमारे हड़ताल के कारण उन लोगों को असुविधा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि हमारा हड़ताल सिर्फ हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उन यात्रियों के लिए कर रहे हैं जो प्रतिदिन हमारे गाड़ी से यात्रा करते हैं। क्योंकि आज इस हड़ताल को अगर हम नहीं जीतते हैं, इस आंदोलन को हम नहीं जीतते हैं, तो पटना पूरब से आने वाले यात्रियों को इतनी परेशानी होगी कि आज तो 2 दिन की परेशानी हो रही है। उन लोगों को करबीघैया जाना होगा, करबीघैया से वो इस तरफ कैसे आएंगे? यहाँ से उनको पटना पूरब में कंकड़बाग, हनुमान नगर, पटना सिटी, अगम कुआँ जाने के लिए ऑटो नहीं मिलेगी। तो ये जो है आंदोलन यात्रियों के लिए है। और आपको मैं एक बात और बता दूँ, आज अखबार में नगर निगम कमिश्नर का एक बयान आया है कि हम पटना RMS क्वार्टर में 2.5 एकड़ ज़मीन में ऑटो स्टैंड बना रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा अखबार में, वो कोरा झूठ है उनका। वो रेलवे की ज़मीन है और रेलवे ज़मीन में अपना कार पार्किंग बना रहा है।
नगर निगम का पैसा लगाने के एवज में थोड़ी सी जमीन नगर निगम को दी जा रही है, जिसमें सिर्फ फुलवारी का ऑटो स्टैंड देने की बात हो रही है। अगर निगम के कमिश्नर ये दावा करते हैं कि 2.5 एकड़ जमीन में हम ऑटो स्टैंड बना रहे हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप लिखित रूप में 2.5 एकड़ जमीन आप ऑटो स्टैंड के रूप में लिख करके दीजिए, हम लोग मानने को लिए तैयार हैं। आप 2.5 एकड़ जमीन लिख के दीजिए ऑटो स्टैंड के रूप में। आप बरगलाइए नहीं पब्लिक को, आप आंदोलन को कमजोर मत करिए, जनता को गलत फहमी में मत बताइए कि हम स्टैंड बना के दे रहे हैं, 2 महीना बाद स्टैंड बन जाएगा। आप लोग को वहाँ से निकाल दिया गया, फिर आप लोग बाहर आते होंगे तो परेशान भी किया जाएगा। परेशान क्या करना है, परेशानी कोई अगर शारीरिक हो मानसिक हो तो एक वहाँ तक चल सकता है, लेकिन 10 से 20 हज़ार रुपया का फाइन कुछ नहीं करना है। अगर मोबाइल से फोटो क्लिक किया जाता है 10 से 20 हज़ार रुपया फाइन हो जाता है। सबसे पहले तो हम लोग को स्टैंड से बाहर कर दिया गया, अब फाइन तो मतलब 200-400-500 कमाने वाला ऑटो चालक 10,000 या 5,000 का फाइन कहाँ से भरेगा। आज तो ऐसा नौबत आ गया है कि कई ड्राइवर ऐसा है कि बीबी का जेवर गिरवी रख के फाइन भरता। क्या बताएं आपको अंदरूनी बात, पीछे से फोटो खींच लेता है, जाम लगा हुआ आगे बस रुका हुआ और टेम्पू उसके पीछे, उसका फाइन काट देता। अरे बस का नहीं तुम फाइन काटोगे, जिसके वजह से जाम लग रहा है उसका फाइन काटो, हम लोग भी उसके साथ हैं, लेकिन टेम्पू को आगे जगह नहीं मिल रहा, आप टेम्पू का फाइन काट देते हैं। और 100-200 नहीं, 10-10 हज़ार रुपया 5-5 हज़ार रुपया फाइन काटा जाता और हम लोग को ओवरलोड कहा जाता है। 3 से 4 आदमी अगर बैठा लेते तो ओवरलोड कहा जाता है, लेकिन बस की हालात अगर देखा जाए सीट से ओवर, महिलाओं को खड़ा करके ले जाया जाता, धक्का मुक्का महिला को खाना पड़ता है, इसके पीछे कोई आदमी नहीं है। महिला को इतना धक्का मुक्का बस में खाना पड़ता है जो उस पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। अब हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को स्टैंड के बदले स्टैंड दिया जाए। ठीक है, आपको अभी चलान काटा गया? हाँ, देखिए 17,000 का काटा हुआ है। हाँ ये देखिए 17,000 का इनका चलान काटा गया है। ऑटो चलाते हैं? हाँ ऑटो चलाते हैं, 2001 से चला रहे हैं, जीवन में पहला बार। कब का चलान है ये? एक आदमी 15 दिन हो रहा है। 15 दिन? हाँ। स्टैंड से हटाने के बाद से? हाँ, स्टैंड से हटाने के छितर बितर हो गया जब से। हाँ। हाँ। गाड़ी खड़ा किया गया? इधर ही गाड़ी खड़ा था रोड पर। स्टैंड तो है नहीं बाहर? स्टैंड है नहीं, जन्ने मन तन्ने अपना किसी तरह से आदमी कमाता है। 17,000 का फाइन? 17,000 का फाइन। आप कहाँ से? हम लोग ऑटो चालक का। सरकार तो कह रही कि वैकल्पिक व्यवस्था दिया जाएगा उसके बाद, लेकिन पहले हटा करके? पहले देखिए हम लोग को भाई तो टाटा पार्क में आज से नहीं कई वर्षों से रह रहे हैं, पहले भी हमारा स्टैंड वही था टाटा पार्क का, समझे कि नहीं। इधर भी स्टैंड हम लोग का था, जेल टूटा था उसके बाद स्टैंड हम लोग को मिला था। अब नीतीश कुमार जी बड़का बड़का पार्क बना दी हैं, लौंडा लौंडिया की पार्क बनाई हैं, टेम्पू चालक को रोड पर ला दी हैं। ठीक है, तो अब देखा जाए कि टाटा पार्क हम लोग का एक घर है, हम लोग का स्टैंड है, रहने का है, कलू से थक कर आते अपने घर में चले जाते हैं। ठीक है, वो जगह पर जो है कि मेट्रो का कार्य का काम कर रहे हैं। ठीक है, मेट्रो वाला आया बोला कि हमको इतना 33 फीट जगह चाहिए, समझे कि नहीं। हम लोग कहा कि ठीक है 33 फीट आप अपना जगह ले लीजिए, बाकी जो जगह बचा है वो हमारे लिए छोड़ दीजिए। तो मेट्रो वाला बोला कि आपको मैं 33 फीट जगह के बाद मैं आपको जगह दे दिया। उसके बाद ये नगर निगम वाले आ जाते हैं, वो क्या करवाते हैं कि पूरा जो है कि पूरा गोलम्बर को घिरवा देते हैं। घिरवा दिए? तो घिरवा देने का मकसद उनका क्या है कि यहाँ से स्टैंड को हटा दिया जाए, समझे कि नहीं। आइए जमीन को किसी प्राइवेट के लीज पर दे दिया जाए तो हम लोग कहाँ जाए। अब हम लोग को कहते हैं कि स्टेशन को पार सी पार नहीं आना है। ऑटो स्टैंड तो हटा दिया गया, अभी ऑटो चलाते हैं? नहीं, मेरा ई रिक्शा है। ई रिक्शा है तो लोगों के मदद के लिए ई रिक्शा चलता है। हम भी इसी में जुड़े हुए हैं, सीटू से जुड़े हुए हैं, पटना जिला ई रिक्शा चालक संघ से जुड़े हुए हैं। और हम आपका भी चालान कटा है? मेरा भी चालान कटा है, लेकिन मेरा एक तरह से मैं वाजिब हूँ, चूँकि मेरा जो है मेरा खुद का तो लाइसेंस है, लेकिन मेरे भविष्य में 50 गाड़ियों का टारगेट है। तो अभी एक बैग में 50 गाड़ी का लाइसेंस तो बना नहीं सकता। और ई रिक्शा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि एक ड्राइवर है, अगर ज़्यादा कमाई नहीं हो रहा है तो वो दूसरे जगह छोड़ के चला जाता है, या गाड़ी पकड़वा दिया 10,000 का फाइन लगवा दिया, ड्राइवर दूसरे के गाड़ी चलाने लगा। तो वो ड्राइवर को कहाँ से बना के ड्राइविंग लाइसेंस देगा भाई। जहाँ 2,000 रुपये कीमत है लाइसेंस बनाने का, वहाँ सरकार 7,000-7,000 रुपये घूस ले रही है, दलाली ले रही है। तो ये किसके पॉकेट में जा रहा है? उसके बावजूद भी इन लोगों को जो है कोई उपव्यवस्था नहीं देके सिर्फ लोगों को नीतीश कुमार हाउस में। चलिए देखिए, खून गर्म है, कह रहे हैं कि जब तक सरकार वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देगी तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, अपनी मांग को मनवा के रहेंगे। देखिए किस तरीके से
तमाम जो चालक है, कई चालकों का ये भी कहना है कि चालान भी काटे जा रहे हैं। यहाँ तक कि 17,000 का चालान एक ऑटो चालक का हमने दिखाया, 17,000 का चालान काट दिया गया। आखिर में किस तरीके से वाजिब है कि आखिर में उनको हटा करके रोड पे ला दिया गया और चालान भी काटा जा रहा है। आखिर में सरकार की इनके साफ साफ कहना है कि सरकार की हम लोग मनमानी नहीं चलने देंगे। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।